हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भैया आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 5:30 बजे, और जबकि हम उठ रहे हैं सुबह के 4:30 बजे की, क्योंकि आज है अमावस्या जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सुबह सुबह कर दी हमने बहुत सारी तैयारी, जो यहाँ पे चूल्हे में तो आज मैंने बाद में सुलगाई थी, साफ़ सफाई करके पूरी झाड़ू पोछा और किचन में भी जो है कर दी थी क्लीनिंग, और साथ के साथ जो है मंदिर में भी। तो भाई साथ के साथ सारी जगह क्लीनिंग करके बस इन तीनों ही जगह लगाया सारे घर में, तो भाई बहुत देर में लगता। और जो है चूल्हे पे कर दी मैंने हासिल का के दूध गरम, और दीदी ने यहाँ पे जब तक जो है खीर बना दी, इसमें साथ में दो तरह की सब्जी, एक भिंडी की और एक आलू की, और बना ली थी अपने लिए थोड़ी सी चाय। और बच्चे अभी सब सो ही रहे हैं, और दूध पिलो के थोड़ा सा घी निकलता है बस रोटी चुपड़ने के लिए, तो भाई वो दूध पिलो के थोड़ा सा घी निकाल लिया अपने रोटी चुपड़ जाए डेली, थोड़ा बहुत कोई बच्चा वगैरह ले हुए घी तो थोड़ा सा घी ले ले। तो भाई जिस दिन अमावस्या होती है वहाँ उस दिन हम जो है ना तो किचन में और ना चूल्हे के पास जो है बैठ के चाय पीते हैं, मतलब अलग हट के ही पीते हैं। और भाई रही अब देवता पे जाने की बारी, तो देवता पे या तो मम्मी जाएंगी या पापा जाएंगे, और मंदिर वगैरह में जो है जोत जला के नहा धो के पूजा कर ली थी मैंने, और कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि अब काम वाम करेंगे फिर से जो है गंदे हो जाएंगे कपड़े। और इतने चाय और लगते हैं भाई अपने फटाफट काम करने, क्योंकि फिर बच्चों की जो है वैन वगैरह अब जल्दी आ जाती है। तो भाई अब टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और बच्चे गए कब के स्कूल, और यहाँ पर हमने घर का सारा काम निपटा दिया, नीचे का सारी क्लीनिंग कर दी और साथ में ऊपर की भी कर दी, और बर्तन वगैरह सारी चीज़ जो है कर दी, और मशीन लगानी नहीं है आज हमें। तो भाई ऑलमोस्ट काम जो है डन हो चुका है हमारा नीचे का, अब बारी है खेत में जाने की। तो भाई चलते हैं खेत में और ज्वार और ले आते हैं, तो हो जाएंगे हम भी फ्री। और जो है कल तो हम बारिश में ही गए थे, भीगते भीगते काट के लाए, तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, कहीं आज भी बारिश ना आ जाए, इसलिए चलते हैं और भाई ये वाला काम भी कर देते हैं, फिर उसके बाद हो जाएंगे हम फ्री। और भई ये जो है बच्चों के जाने के बाद मम्मी चली गई थी देवता पे, तो मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो मम्मी आएगी तो खा पी के फिर चली जाएंगी, मम्मी हमारे पास आ जाएगी खेत में उठवाने के लिए, क्योंकि दो से एक एक ही इंसान उठ सकता है, और फिर दूसरा का किससे उठेगा, तो मम्मी का करेंगे हम वेट खेत में ही। तो भई हम तो चले गए खेत में नियार काटने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, और मौसम उस टाइम बिल्कुल साफ था, और अब आ गई है बारिश, जिसकी वजह से तो भाई चूल्हा उल्ला सब कुछ भीग गया है, और अब तो आके बंद भी हो गई है, पर ढकना तो ये है ही, खाट वाट सब कुछ भीग गई, और ऊपर कपड़े सुखा के गई थी, सूखा सुखाया कपड़ा थोड़ा घुसीला था वे भी भीग गया। राम जी ने तो कति इतनी जो है अनिति पा रहा है कि बस पूछो मत ना, अब सारा काम जो है और रायता फिर दोबारा तो भड़का है, पहले इन्हें ढक दे नहीं फिर भीग जाया भाई ब्यो। तो भाई अब हो गया है टाइम सुबह के, देख लो ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 ही हो रहा है, ये तो 5-10 मिनट वैसे ही आ गए कहीं। और भाई इस टाइम जो है हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं घर के बाहर के सारे काम से, और नहा के धो के खाना वाना खा के मतलब सारा काम कर दिया 10:30 बजे तक, और जो है बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये बताना नहीं है कि भाई हम काम निपटा दिया और आराम करेंगे, मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो उसी काम ने बढ़ा के 1 बजे तक भी कर सका, और उसने में ही जो है स्पीड से करके उसी काम ने हम जल्दी भी कर सका। और जितनी जल्दी ये लेडीज़ की नहीं आई है भाई, ये मैसेज जेंट्स की नहीं आनी है, कि भाई जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी जो है शरीर ने भी आराम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम को हमारा शरीर जो है कोई मशीन तो है नहीं जो भाई थकता ही नहीं है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो भाई जो धीरे धीरे काम करता है उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, और भाई जो थोड़ा सा तेज कर सकता है तो अपने काम निपटाओ जल्दी जल्दी, और आराम जरूर करा करो दिन में, चाहे सो या मत सो, पर कमर सीधी जरूर कर लिया करो, वो भी लेट के खड़े खड़ा सीधी ना रहे वो है कमर। तो भाई करते हैं हम भी रेस्ट, और आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। भाई अब टाइम हो गया है 4:15, और जो है मौसम हो गया फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब, और मैं कपड़े सुखाए क्योंकि धूप निकल गई थी बहुत तेज, और पढ़ाई वगैरह करके बच्चे फिर से जा चुके हैं, और हवा चल रही काफ़ी अच्छी, और यहाँ पे ही देख लो जिस किसी को पैसा चाहिए भारती से ले लेना पूरे 4,000 रुपया मेरे के करेगी इनका, वो तो जेब ना गिर गेर मत दी जेब में रख रही है।
अब क्या करूँगी, पार्टी वगैरह मैं दे नहीं सकती। अब ये जाएंगे मेरे गुल्लक में। तो गेर ले अपने गुल्लक में, दिखा क्यों रही है इनने? बहुत सारे। अच्छा, एक आध कोई गिनती, नाम कोई कुछ नहीं आता पता इसका, फैंस का ही है बहुत सारा। है वो मेरी मैम है एक, और एक जो है दो तीन लड़की, मतलब तेरी मैम भी वीडियो देखती है। हाँ, और दो तीन लड़कियां मेरी क्लास की है जो मेरे पहले वाले स्कूल में, लास्ट स्कूल में। हाँ, मेरी फ्रेंड्स। लो भाई, ये तो घनी लंबी लाइन होगी, मेरे पास तो गिनती भी ना आ रही, मैं तो भूल हो गई कितना बता दिया। चल रख दे इन्हें उठा के, गुम हो जाएगा नहीं तो। तो भैया अब हो गया है शाम का समय, और जो लग गए हम शाम के जो है खाने बनाने की तैयारी में, और चूल्हा हमने उगाड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो है हर सेकंड के साथ जो है राम जी अपने रंग रूप बदल रहा है, जैसा इंसान बदला है और जैसे हमारी यहाँ बदला है। हाँ, तो मर्डर ही कर ले। और भाई आज फिर तो एक कुकर भर कर उबाल दिया आलू, और आलू क्यों उबाला है और क्या बनाना है ये तो आप वीडियो देखोगे जब ही पता चलेगा। ये सोच रहा होगा कि आलू की रोटी बना लेगा, पराठा बना लेगा, पर इसके अलावा कुछ और बनाएगा, तो वो क्या है वो आप वीडियो पूरी देखोगे तो ही पता चलेगी। और इसने कुछ भी काम करवा लो भाई, ये नीचे नहीं बैठ सके कभी भी, कुछ भी डाल लेगी, लंच भी पैक करेगी तो भी ऊँ ना, अगले रसोई में सब चीज़ इसने खड़े चाहिए, खड़ा काम करवा लो ऐपे, कितना ही अदर पदर को सामान चाहिए, नीचे मत बैठने की कह करो इससे। और भाई लगते हैं हम भी अब फटाफट अपने जो है शाम के खाने बनाने की तैयारी में। और इसके अलावा सुबह मैं सोच रही थी कि भिंडी की सब्जी बनाइए साथ में, पर भिंडी की सब्जी नहीं बनाई, वह मुँह नहीं बनानी पड़ी अब, और मैं लगाऊँ आटा फटाफट। अब खाना बनाएंगे हम सारा गैस पर, और दूध रख दिया आरी में गर्म होने के लिए। तो भाई लगते हैं, और आपने भी दिखाऊँगी कि क्या बनाएंगे आज हम। तो भाई ये तो बना दी मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी, इसमें जो है छोक दी है अजवाइन में, और साथ के साथ यहाँ पे हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन सब चीज़ उबलने के लिए रख दी है, और ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि इसका भी हम क्या करें। तो भाई सारा आलू छील दिया, अभी इन्हें करूँगा कद्दूकस, क्योंकि हाथ से मैश करने पर थोड़ी बहुत जो है गांठ रह जाती है, और यहाँ पर छोटी छोटी लोई तोड़ के तैयारी कर दी है अपनी। और ये हो रहा है कढ़ाई में तेल गरम, ये बना दिया भाई यहाँ पर चटनी, और जो है सारा सामान मैंने आपको दिखाया था, टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह, वो सारी जो है मिक्सी में जो है पीस के, और इसमें जो है तेल में जीरा डाल के जो है इसकी कर दिए चटनी तैयार। तो भाई आप समझ ही गए होंगे, तो हम कर रहे हैं अपने घर के देसी मोमोज बनाने की तैयारी। तो पहले बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जो है दीपा छोड़ के बाहर तो पार्टी होगी, क्या कर रहा है लोग बना रहे बना रहे। और भाई यहाँ पे बना दिया ये अपना देसी मोमो, अरविंद कचौड़ी मिक्स करके बना दी, क्योंकि ये बच गया था जो आटा, तो इसके हमने मोमोज बनाने के बाद कचौड़ी बना दी। और भाई इस वीडियो को करती हूँ अब मैं यहीं पर ही एंड, बच्चों की तो होगी आज पूरे मजे, पार्टी होगी उनकी तो। और आपको मेरी वीडियो जो है कैसी लगी इसके लिए आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जिस किसी ने मोमोज खाना हो भी घर का तो आ जाना भाई।